चिकन, दही, लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्दी, ये हो गया। तीन पोहा चिकन के लिए मोटा मोटी 5 से 6 प्याज, 5 से 6 मिर्ची, धनिया पत्ता और 4 से 5 टमाटर छोटे छोटे वाला, ऐसा वाला। स्वाद अनुसार नमक, नमक थोड़ा नहीं दिया ना, थोड़ा दिया नमक, थोड़ा सा हल्का सा नमक है। टिक्की भर नमक, थोड़ी देर के लिए ढकते हैं। गार्लिक का पेस्ट थोड़ा सा फिर से डालते हैं। तीन पाव चिकन के लिए 2 गार्लिक का पेस्ट ले, हल्का लाल होने तक इसे मिलाते रहें। हल्का लाल प्याज होने के बाद इसमें, लाल होने के बाद इसमें टमाटर डाल दें, धनिया पत्ता थोड़ा देर के बाद डालें। क्या ना, और थोड़ा उसमें तेल पानी, क्योंकि टमाटर पानी बीच बीच में इसे मिलाते रहें इस तरह। आज थोड़ा सा मध्यम कर दे बाद में। टमाटर और प्याज का लस्टर एक समान होने तक इसे मिलाएं, पुनः फिर ढक दें। अब ठीक से बुझाने के बाद इसमें गरम मसाला थोड़ा सा डाल दें, चिकन मसाला डाल दें, एवं मिर्ची मसाला स्वाद अनुसार आप दे सकते हैं। हमने इसमें नहीं दिया है क्योंकि कच्चा मिर्ची हमने काफ़ी मात्रा में दिया है। चिकन सॉरी मसाला का रंग आप देख सकते हैं, ताव मध्यम रखें आंच, ढकने के बाद इसे ताव थोड़े से बढ़ा दें। इस तरह अगर आपका मसाला जले अंदर से तो थोड़ा सा पानी से मिला सकते हैं। बदलते मसालों का रंग आप देख सकते हैं,
पुनः इसे ढक दें और आज थोड़ा सा बढ़ा दें। को सही है मसाला पूरी तरह से लाल होने के बाद इसमें आप बनाए हुए चिकन डाल दें। हल्दी अलग से देने की इसमें जरूरत नहीं है, हल्का पानी देकर सारा मसाला आप निकाल सकते हैं। हल्दी हमने पहले दे दिया है इसलिए आप इसमें हल्दी दोबारा ना दें। अच्छी तरह से मिला दें। क्या होता है बीच बीच में लाड़ते रहें मिलाते रहें। हटा गया वीडियो। तब तुम्हें पक गया हो ना तुम कब चिकन को प्रायः कम आंच पे सिझाएं। लस्सर आप इस तरह देख सकते हैं। फुल तौर पे चिकन नहीं सिझाना है, कम आंच पे। आप इस चीज का ध्यान रखें कि अब तक हमने इसमें नमक नहीं दिया है। थोड़ा सा और सीजने के बाद हम नमक देंगे इसमें। अब तक इसमें हमने नमक कहीं पे भी नहीं दिया, इससे बाद प्याज भूनते वक्त थोड़ा सा ले। अब तक हमने प्याज नमक कहीं नहीं दिया। अरे क्या बस अब इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हमने इसमें 2 चम्मच नमक दिया है, आप अपने स्वाद अनुसार नमक भी डाल सकते हैं। अब आप फुल आंच देकर इसे सिझाएं।
इसे मध्यम आंच में सिझने तक पकाएं। थोड़ा सा पानी आप दे सकते हैं, धनिया पत्ता आप अंत में दें, शुरुआत में ना दें। आप लहसुन दे सकते हैं और चिकन काफी ज्यादा सीज चुके हैं। ये आपको रोटी खाने लायक काफी बेहतर बन जाएंगे सब्जी। अगर आप चावल दे रहे हैं तो थोड़ा सा पानी और देकर आप रसेदार बना सकते हैं। अब आप धनिया पत्ता में डाल सकते हैं। चिकन बनकर तैयार हो चुका है, अब इसे आप बंद कर सकते हैं। इस तरह ग्रेवी आप रोटी के साथ बहुत देखकर खा सकते हैं। हमारा रोटी बना हुआ इधर है।